मुर्गियों को सबको मैंने छोड़ दिया मास्टर केज में, सारी मुर्गियां मैं इधर ले आया हूँ। और अभी अभी मुर्गियों के लिए मैं लाया हूँ लूसन, ग्रीन फूड बहुत ज़रूरी है। और लूसन जो है ना, इन मुर्गियों को मैं डालता हूँ अभी यहाँ पर, तो देखें किस तरह फ़ौरन से लूसन को देखती पहुँचेंगी। और सोच रहा हूँ ऐसे ही पूरा डाल देता हूँ यार, खोल के डालने की ज़रूरत ही नहीं। वैसे ऊपर बांध देता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन अभी रस्सी वगैरह नहीं है, तो ये लो खाओ लूसन। और एक यहाँ पर, क्योंकि चूज़े जो है ना आपस में लड़ते हैं, अभी इनके लिए केज बनाऊंगा यहाँ पर, सारे खुले छोड़े हुए हैं जब तक केज नहीं बनता, क्योंकि पैक के वैसे भी ऊपर है सारा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, बिल्कुल खैर वाकियत होंगे। वेलकम करता हूँ आपको खुबैद पेट यूट्यूब चैनल की एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों ऐसा है कि मुर्गियाँ जो है मैं सारी की सारी मास्टर केज में ले आया हूँ, अपने चूजे और मुर्गियाँ वगैरह सब जो है ना मास्टर केज में मैंने शिफ्ट कर दिए। और आज इन मास्टर केज में मैंने इनके लिए सेटिंग करनी है, यानी कि इनके बर्तन वगैरह लगाने हैं पानी के और दाने के। वैसे पानी का मैंने एक बर्तन रखा तो है, लेकिन मट्टी के बर्तन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया गर्मियों में मट्टी के बर्तनों पर हम आएंगे, खिंचर के ही बर्तन चेंज करने हैं मट्टी के। तो ऐसा कि अभी मैं इनको जो है ना दाना ज़मीन पर डाल रहा हूँ, तो ज़मीन तो सही नहीं है। मैं सोच रहा हूँ मैं इनके लिए एक दो बर्तन लगा दूँ जो मेरे पास बर्तन पड़े फीड वाले, ताकि इनको फीड जो है बर्तनों में डाला करूँ। और साथ में ये जो केज है ना, इन केजेस को भी ऊपर करके कहीं लगाऊंगा, दीवार में या कहीं जंगले के साथ कहीं भी ऊपर करके लगाऊंगा। और मैं लेकर आया हूँ एक 6 पोर्शन का केज, 6 पोर्शन वाले केज को भी मास्टर केज में लाते हैं, और उसको भी सफाई वगैरह करके इंशाल्लाह उसके अंदर फिंचेस वगैरह। इस तरह मैंने आपसे पूछा कि फिंचेस डालूँ, बजरी डालूँ या डब्स डालूँ, तो उसके अंदर जो है फिंचेस का सबसे ज़्यादा बोर्ड मिलता है म्यूटेशन फिंचेस के, तो उसके अंदर हम डालेंगे फिंचेस। तो सबसे पहले जो है मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पर बर्तन मुर्गियों के लिए। तो ये है मुर्गियों का पुराना पिंजरा, ये पिंजरा जल्दी यहाँ से खत्म हो जाएगा। अभी मैंने क्यों छोड़ा हुआ, क्योंकि मेरे पास मुर्गियाँ कुछ हो गई हैं कड़ोक, एक मुर्गी ये कड़ोक बैठी है, एक इसके अंदर कड़ोक बैठी है, और एक मुर्गी इधर कड़ोक बैठी हुई है, ये आप देख सकते हैं। 3 मुर्गियां मेरी कड़ोक हो गई है, इनके नीचे अंडे रखने हैं। अंडे मैं मुर्गियों के अलावा एक और चीज़ के भी रखने वाला हूँ, किस चीज़ के अंडे रखूँगा ये इंशाल्लाह इस नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बनाऊंगा, कि मुर्गियों को किस तरह कड़ोक बिठाया जाता है, तो उसी में आप लोगों को शेयर करूँगा मैं किस चीज़ के अंडे रखने वाला हूँ। अभी जो मैं इधर आया हूँ वो ये वाला बर्तन, इस तरह के 2 बर्तन है मेरे पास, एक तो ये है, एक और मुझे कहीं ढूंढना पड़ेगा। तो ये बर्तन मैं खोल के जो है मास्टर केज में लगाने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक तो दाना सेफ भी रहता है, दूसरा साफ भी रहता है, और परिंदे इसके अंदर आसानी से अपना दाना या फीड वगैरह उठा सकते हैं मुर्गियाँ। तो ये वाले बर्तन जो है मैं अपनी मास्टर केज में लगाने वाला हूँ, इसको यहाँ से खोलता हूँ और मास्टर केज में लेके जाता हूँ। तो ये हमारे मास्टर केज का है दूसरा दरवाज़ा, वो पहला दरवाज़ा मेन दरवाज़ा, ये बैक साइड का दरवाज़ा है। अभी इसमें मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं ये 2 बर्तन जो है लगाने वाला हूँ। और मेरी मुर्गियों को पता क्या इशू है, कल से मैंने मुर्गियों को छोड़ा मास्टर केज में, ये उसी तरफ रहती हैं, इस तरफ आती नहीं, जबकि पानी मैं इधर ही डालता हूँ, पानी वाला बर्तन भी खुश हो गया, इतना गंदा कर दिया उन्होंने। बहरहाल इनको कोशिश करूँगा मैं इधर लेकर आऊँ इधर की, ताकि पूरे मास्टर केज इनके लिए, ऐसी बात है जब तक केज नहीं बनते तो पूरा मास्टर केज में इनकी हुकूमत होगी। ये 2 बर्तन मैं लगाने वाला हूँ, एक इस पाइप पर लगा देता हूँ सबसे लास्ट वाले के साथ, और एक जो है सेटिंग वाले लगा देता हूँ, ताकि चूजे आपस में लड़े भी ना मुर्गियों वगैरह। और ये आपको तार नज़र आ रही होगी, इतनी बड़ी तार मैं क्यों ले घूम रहा हूँ, इस तार की मदद से मैं बांधने वाला हूँ। ये तार एक तो मजबूत रहती है, दूसरा फ्लेक्सीबल भी है, तो इस तार की मदद से जो है मैं 2 बर्तन बांधने वाला हूँ। पहला तो आएगा इस पाइप के नीचे, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ सबसे पहले वाला, जमीन से करीब 1 फीट ऊंचा होना चाहिए जो बड़ी मुर्गियों के लिए, और चूजों के लिए जो अच्छे हैं, यानी कि इतना ऊंचा होना चाहिए बर्तन मुर्गियों का पानी का और दाने का कि उनके सीने के बराबर आ रहे हैं। इससे क्या होता है कि गंदगी नहीं होती बर्तन के अंदर, बैठे वगैरह नहीं जाती, और साफ सुथरा रहता है पानी भी और दाना भी, तो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा यार। तो मुझे लग रहा है इसके एक तार और जोड़नी पड़ेगी, बहुत कम से कम इस बर्तन को यहाँ पे होना चाहिए इस जगह पे, तो इसके एक तार और जोड़ता हूँ मैं। एक और तार जोड़ने से क्या होगा कि ये थोड़ी सी तार लंबी हो जाएगी और बर्तन अपने सही जगह पर पहुँच जाएगा। अब देखते हैं हमारी साइज क्या बन रही है। परफेक्ट टाइट है ये वाली, यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो जितनी पर ही मैं इसको तार को लपेट देता हूँ 1-2 दफ़ा, तो हमारा काम सही बन जाएगा। तो ये यहाँ पर बर्तन आ गया सही से, अभी इसके अंदर ही परिंदे जो है खाते रहेंगे। और ये वाला सही है, इससे अगले वाला थोड़ा सा ऊपर करके लगाऊंगा मैं, तकरीबन यहाँ पर रखेंगे, इसकी हाइट इतनी रखेंगे यहाँ पर। तो 2 बर्तन लगा लिए मैंने, और अभी जो है इनको इसमें मैं दाना डाल देता हूँ, ताकि जब जब इनको भूख लगे चुगते रहें दाना। और एक और काम करना बहुत ज़रूरी है यार, ये डक है और इसमें कुछ यहाँ पर जगह छोड़ी जो ब्लॉक, तो इसके ऊपर ग्रीन नेट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि चूजा या कोई परिंदा सीधा यहाँ से डक से नीचे चला जाए। इसके ऊपर ग्रीन नेट लगाता हूँ, और अभी इनको पानी डालना है सबसे पहले, तो सबसे पहला काम है पानी। पानी जो है मैं यहाँ पर नहीं, इस कोने में रखने वाला हूँ, यहाँ पर ये पानी का बर्तन भरता हूँ इसको उठाकर। Thank you.
अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो पानी वाला बर्तन है ये क्रैक है, जिस वजह से ये फौरन खाली होता, फौरन तो नहीं होता लेकिन दिन में दो दफे इसको भरना पड़ता है। बर्तन वगैरह भी यार सारे नए लेकर आने हैं। तो पानी रहेगा यहाँ पर, एक्चुअली में ये क्या है कि यहाँ पर मैंने पानी इसलिए रखा है, पानी और दाने के बर्तन यहाँ इसलिए लगाए हैं ताकि इन मुर्गियों को थोड़ा इधर आने की आदत हो। ये स्टिल वहीं की वहीं रहती हैं, वहाँ पर मट्टी वगैरह, लेकिन मट्टी के अंदर भी नहीं खेलती, रहती उसी कोने में। तो मैं चाह रहा हूँ ये पूरे इस मास्टर केज में घूमती रहें जब तक पिंजरे नहीं बनते, और इनके पिंजरे बनाने का इरादा ये है कि इस लाइन में सारे के सारे यहाँ पर और इस दीवार सारे पिंजरे बनाएंगे और मुख्तलिफ उसके अंदर पिंजरे रहेंगे, लेकिन ये होगा ईद के बाद काम, तब तक मुर्गियाँ खुली घूमते हैं। अभी मैं लेकर आता हूँ यहाँ पर अपना 6 पोर्शन वाला केज पिंजरे के अंदर, उसकी सेटिंग करते हैं और उसके अंदर फिंचेस वगैरह छोड़ेंगे। ये 6 पोर्शन पिंजरा है और ये माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन मिल गया है। एक ट्रे तो इसकी ठीक है और दो ट्रे जो है ना वो इसकी ख़राब हैं, गली हुई हैं। लेकर आया हूँ मैं हुसैन भाई से दुकान में, अक्सर आप लोग विज़िट कराता हूँ, उन्होंने कहा है कि जिस बंदे से उन्होंने लिया है वो कहता है कि मैंने दो ट्रे आप लोगों को दूंगा, तो ये जब ट्रे देगा तो इंशाल्लाह वो ट्रे भी हम लगा देंगे। तो इसको आज फाइनली मैं लेकर जा रहा हूँ अपने मास्टर केज के अंदर, और आप लोगों से मैंने पूछा था तो इसके अंदर किस चीज़ का फैसला हुआ है, म्यूटेशन फिंचेस रखने का। तो ये 6 पोर्शन है इसके अंदर, इंशाल्लाह तमाम के तमाम म्यूटेशन फिंचेस डालेंगे। अभी इसको मैं लेके जाने लगा हूँ अपने मास्टर केज में, तो हमारे मास्टर केज का सबसे पहला पिंजरा जाने लगा है मास्टर केज के अंदर। क्या इसमें से जाएगा? जाना भी चाहिए यार, ये दोनों पिंजरे मैंने गलत रख दिए, इन दोनों पिंजरों को ही मैं मास्टर केज के अंदर ही शिफ्ट करूँगा। बाहर अभी ये वाला तो आ गया आराम से, फाइनली हमारा पिंजरा जो है मास्टर केज के अंदर आ चुका है। सबसे पहले तो इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, मैं सोच रहा था रनिंग भी करूँगा इसको, लेकिन कलर इसको जो है मैं रमज़ान के बाद करूँगा, ईद के बाद इसको कलर करूँगा। अभी इसको करते हैं सेटिंग बिल्कुल उस तरफ, वहाँ साइड पर रखूँगा मैं इसको, वहाँ रखने वाला हूँ इसको, मैं अभी जो है सेटिंग कर देता हूँ। इसकी सेटिंग मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, बिल्कुल ही रहेगा फिक्स करता हूँ कि यहाँ पर, और यहाँ पर यानी इसे फिर से भेज देंगे थोड़ा सा ये आउट रहा है, क्यों ये शायद हम कहें इसके जो यहाँ पर डाल दूँगा मैं ये वाला केज भी आ गया। अभी एक काम और क्या रहता है हमारा, जरूरी जो है इस डक को बंद करना है। इस डक में से जिस तरह मैंने अभी आप लोग दिखाया, यहाँ पर मैं ग्रीन नेट लगाता हूँ और पिंजरे की भी जो है सफाई वगैरह करनी है सारी। यहाँ पर पुराने सामान में पड़ा है ग्रीन नेट, और ये ग्रीन नेट आज इस्तेमाल में आ ही गया, काफ़ी टाइम से बेचारा ऐसी लटक रहा था, कभी कहाँ जाता कभी कहाँ, और मिट्टी कितनी ज़्यादा है इसके अंदर यार। इसको एक दफ़ा झाड़ लूँ मैं और इसको लगाते हैं हम वहाँ पर। क्या करना है, बेसिकली एक पर्दा ही बनाएं ताकि कोई भी अगर परिंदा निकलता है मास्टर केज में, और वैसे ही मेरा इरादा बन रहा है एक दो फिंच के पेयर और एक दो डब के पेयर जो है मास्टर केज में ओपन छोड़ने का, और चूज़े वगैरह जो है ताकि इस डक के सुराख से बाहर ना निकलें। तो ये अलग ग्रीन नेट अभी मैं लगाता हूँ यहाँ पर, फिक्स कर देता हूँ, तो ये हमारा मास्टर केज भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। मुर्गियाँ भी आ गई मास्टर केज में और पिंजरा भी, इस पिंजरे की मुकम्मल सफाई करनी है और फिर इसके अंदर इंशाल्लाह कल जो है, ये कल या परसों के दिन में आप लोगों को वीडियो बनाकर दिखाऊंगा इसके अंदर प्रॉपर हम अपने फिंचेस के, इस केज में पूरे के पूरे जो है ना हमारी म्यूटेशन फिंचेस ही आएंगी, और केज आस्ते आस्ते साथ साथ लाएंगे। जैसे आप लोग पहले बताया था पूरा मास्टर केज जो है ना परिंदों से भरना है हमने, तो अभी ये ग्रीन नेट में यहाँ लगाता हूँ इसको, डक को ग्रीन नेट लगाया कवर कर दिया। इंशाल्लाह ईद के बाद जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम रुके हुए हैं ना, यानी कि पिंजरे वगैरह बनाने और भी छोटे छोटे काम, जाहिर सी बात है अभी मास्टर केज कंप्लीट हुआ है, मास्टर केज के अंदर एक काम तो बाकी है, तो जब ये बाकी काम शुरू होंगे तो इस डक को मैं पूरा ऊपर ले जाऊंगा और इस मास्टर केज की छत से ऊपर निकाल के फिर छोड़ देंगे, ताकि मास्टर केज चारों तरफ पैक हो जाए, इससे कोई तल्लुक ना रहे। और इंशाल्लाह इसके आगे जो है ना मेरा इरादा है अलमारी बनवा लेने का, एक अलमारी जिसमें मेडिसिन वगैरह और तमाम तरह चीज़ें परिंदों की, यानी फीड के अलावा बाकी तमाम तरह जितनी भी चीज़ें होती हैं मल्टीविटामिन वगैरह मेडिसिन वगैरह और समुद्री जाग वगैरह सब चीज़ें जो है ना इस अलमारी में मैं रखूँगा इंशाल्लाह। यहाँ अलमारी बनाने का भी इरादा है, तो अभी जो है मैं ये केजेस भी उठाकर इसी जंगले के साथ यहाँ पर इस जगह पर, क्योंकि इसको बैक से भी कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर रही, यहाँ पर तो रास्ता है, और अगर ये मैं यहाँ लगाता हूँ तो इसके अंदर मेरी डब के ब्रीड आई हुई है, एक डब ने अंडे दिए हैं, बाकी दो पेयर भी जल्दी इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे, तो ये पेयर यहाँ डिस्टर्ब होता रहेगा अगर यहाँ लगाता हूँ तो। इस वाले को उठाकर मैं चिपकाता हूँ इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पीछे कोई चीज़ डिस्टर्ब भी नहीं करने वाली, और टंकियाँ किसी का आना जाना भी नहीं, तो ये वाली जगह परफेक्ट है इन केजेस के लिए। एक तो ऊपर भी हो जाएंगे, नीचे सफाई भी रहेगी, और बैक से भी जो है इनकी डिस्टर्बेंस ख़त्म हो जाएगी। डब का केज भी ऊपर सेट कर दिया, और दो केज और इस तरह के मेरे पड़े हैं वो भी इंशाल्लाह इसी लाइन में इसके साथ सेट हो जाएंगे, और ऐसे केजेस भी अभी और इंशाल्लाह मज़ीद लाने वाला हूँ मैं। तो कल इसके अंदर हम लोग जो है सफाई करके इसकी मुकम्मल इसके अंदर फिंचेस छोड़ेंगे,
जहाँ पर फिंचेस जो हैं बिल्कुल रेडी हैं ब्रीड के लिए। म्यूटेशन फिंचेस और जितने भी फिंचेस थी सब की सब मैंने मिक्स कर दी एक ही जगह पे, सारी डाल दी। डायमंड डब्स भी इसी के अंदर हैं, डब को भी अलग करना है क्योंकि मैंने देखा एक छन्नी बहुत सारे अंडे हैं डब्स के, तो इनको भी जो है सबको सेपरेट करना है। आज की वीडियो को यहीं इख्तिताम करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल किसी न्यू वीडियो के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।